हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECS इंग्लैंड T10 2024 की जो सीरीज चल रही है, इस टूर्नामेंट के 13वें और आज के दिन के तीसरे मैच के बारे में। यह मैच खेला जाएगा ट्विंकहैनम वर्सेस हॉर्नक्रूज के बीच मैच खेला जाएगा। मैच की टाइमिंग है 6:15, डेट 29 मई 2024 आज की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखें तो रियांस पार्क स्पोर्ट ग्राउंड वेमिल्टन में मैच खेले जा रहे हैं, तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 110 से लेकर 120 का बनता है। और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 11 मैच हो चुके हैं इस वेन्यू पर, जिसमें से 4 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 5 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने और 2 मैच इधर नॉ रिजल्ट रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं पहली टीम ट्विंकहैनम की, जिसका एक मैच अभी लाइव खत्म हो चुका है और वह मैच ये हारी है। ठीक है, तो उस मैच में क्या प्लेइंग 11 थी वो हमने सेट कर दिया और क्या परफॉर्मेंस दी है वो हम आपको जानकारी दे देंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। हमने इधर चेंज नहीं करा, जो अभी मैच हुआ है वह हारी थी है, तो इसको चेंज कर देते हैं और बात करते हैं अपन परफॉर्मेंस की। ठीक है, इस टूर्नामेंट में इसने 6 मैच खेले हैं जिसमें से 3 जीती है, 2 हारी है, 1 मैच इनका नो रिजल्ट रहा है। लेकिन आज का जो पहला मैच था वह ये मैच हार चुकी है। ठीक है, बड़ी आसानी से 127 रन का अच्छा स्कोर बनाया था लेकिन सामने वाली टीम ने चेस कर लिया। पहले बात करते हैं आज के दिन का जो लास्ट मैच था उसके हिसाब से प्लेयरों को सेट कर दिया। तो पहला प्लेयर है पैट्रिक डैक्सन, जिसने इस टूर्नामेंट के 4 मैच में 102 रन बनाए 15 की एवरेज से, और जो पहला मैच था उसमें भी इसने 56 रन की शानदार पारी खेली। एक अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था इसलिए इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन की बात करें 20% इसका सिलेक्शन है, एक अच्छा प्लेयर है। ठीक है, ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें 155 मैच में 3,406 रन बनाए क्लब के लिए इसने 26 की एवरेज से, 94वें ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 29 विकेट लिए। उसके बाद है एगोन बॉर्गर, जिसने 6 मैच में 53 रन बनाए हैं 6 ओवरों की गेंदबाजी के दौरान, 5 विकेट लिए, बैटिंग भी ठीक ठाक करी थी, साथ ही आपको 2 ओवरों की गेंदबाजी भी दी थी इसने, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और 1 विकेट भी लिया था। ठीक है, आज के मैच में पहले मैच में, और इस टूर्नामेंट में 6 मैच में 53 रन बनाए 6 ओवरों की गेंदबाजी करी 5 विकेट लिए। ओवरऑल क्लब रिकॉर्ड की बात करें 282 मैच में 5,306 रन है, 23 के एवरेज से 275 विकेट लिए, तो अच्छी बैटिंग बॉलिंग कर रहा है इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सिलेक्शन की बात करें 96% इसका सिलेक्शन है। इसके बाद है डॉन मानुवाल्गे, जिसने 6 मैच में 40 रन बनाए, आज के मैच में 21 रन की पारी खेली और 5 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 4 विकेट लिए। तो आज के मैच में जिसने बॉलिंग नहीं करवाई थी लेकिन इस टूर्नामेंट में बॉलिंग करवाई है और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा था इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन की बात करें 85% इसका सिलेक्शन है। ओवरऑल क्लब रिकॉर्ड की बात करें 211 मैच में 5,953 रन बनाए 32 की एवरेज से, 905 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 143 विकेट लिए। इसके बाद है ब्लैक वेंडर लीडर, जिसने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करी, साथ ही 14 रन की पारी खेली थी इसने, और इस टूर्नामेंट में इसने 4 मैच में 37 रन बनाए 3 ओवरों की गेंदबाजी करी 4 विकेट लिए। अच्छी गेंदबाजी करवाता है, इकोनॉमिकल रहता है इसलिए इसको विकेट मिलते हैं, इसलिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। और फर्स्ट बैटिंग में तो आप कंफर्म ट्राई कर सकते हो क्योंकि बैटिंग से भी आपको कंट्रीब्यूट करेगा। सिलेक्शन की बात करें 52% इसका सिलेक्शन है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखें क्लब के लिए 44 मैच में 554 रन है 19 की एवरेज से, 211 ओवर की गेंदबाजी 41 विकेट। उसके बाद है संजीत संधू, 3 मैच में 4 रन बनाए। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें 237 मैच में 4,097 रन है 21 की एवरेज से, 333 ओवर की गेंदबाजी 59 विकेट लिए। इसके बाद है रशीद मुल्ला ज़्यादा, जिसने 3 मैच में 15 रन बनाए 3 ओवरों की गेंदबाजी करी 1 विकेट लिया। आज के मैच में इसने भी गेंदबाजी करवाई थी 1 ओवर की, पिट के गया था इसलिए दूसरा ओवर नहीं मिला, कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है। उसके बाद है निखिल नोमला, जिसने 230 ओवरऑल के मैच में 4,664 रन बनाए 25 की शानदार एवरेज से, 633 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 138 विकेट लिए। और इस टूर्नामेंट के 3 मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी करवाई है जिसमें 2 विकेट लिए, और आज का जो पहला मैच हुआ उसमें इसने मात्र 1 ओवर की गेंदबाजी करवाई थी जिसमें विकेट लेस गया था। उसके बाद है मोहम्मद अहमद, जिसने 6 मैच में 13 रन बनाए और आज के मैच में 6 रन की पारी खेली थी। ओवरऑल क्लब रिकॉर्ड देखोगे तो 108 मैच में 1,419 रन है 17 की एवरेज से, 18 विकेट लिए। बैटिंग ऑर्डर खूब लेट है इसका इसलिए इसको ट्राई नहीं करेंगे। उसके बाद है फिल नास, जिसने एक ही मैच खेला जो अभी खत्म हुआ है, उसमें बैटिंग बॉलिंग का मौका नहीं मिला तो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है एग्योस मैकेंजी, जिसने पहले मैच में 2 ओवरों की गेंदबाजी कराई 1 विकेट लिया, अच्छी गेंदबाजी करवाई थी और रन भी कम पड़े थे इसको और विकेट भी लेके गया, इसलिए आप इसको ग्रैंड लीग में अगर इसकी टीम पहले गेंदबाजी करवाती है तो आप ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें 30 मैच में 49 रन है 180 ओवर की गेंदबाजी 38 विकेट। इसके बाद है एडम मत्थर, जिसने 6 मैच में 22 रन बनाया 6 ओवरों की गेंदबाजी के दौरान 2 विकेट लिए, अच्छी बॉलिंग करवाता है और आपको कंफर्म 2 ओवरों की गेंदबाजी देगा। आज के पहले मैच में भी इसने कंपलसरी 2 ओवरों की गेंदबाजी करी है। ओवरऑल क्लब रिकॉर्ड की बात करें 67 मैच में 306 रन बनाए 37 की एवरेज से और 63 विकेट लिए, एक अच्छा प्लेयर है और बैटिंग और बॉलिंग दोनों से बॉलिंग अच्छी खासी करवाता है 2 ओवरों की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इस टीम के अलावा बेंच पर से दूसरे मैच में कोई भी प्लेयर खेलता है तो उसके स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल है, आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो जहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है।
बात करते हैं दूसरी टीम हॉर्न क्रूज की, जिसका आज के दिन का पहला मैच होगा और इस टूर्नामेंट में इसके 3 मैच हो चुके हैं, जिसमें से जीती एक भी मैच नहीं है, 2 मैच हारी है और 1 मैच इनका नॉट रिजल्ट रहा है। अब दो जो मैच इनों के कंप्लीट हुए उसका हम आपको रिकॉर्ड बता देते हैं और लास्ट मैच जो खेला गया उसके हिसाब से ही हमने प्लेयरों को सेट कर रखा है। तो पहला प्लेयर है जॉर्ज हैंकिंस, जिसने इस टूर्नामेंट के 2 मैच में मात्र 5 रन बनाए, 1 ओवर की गेंदबाजी करी, 1 विकेट लिया है। ठीक है, अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी है लेकिन इसका रिकॉर्ड बहुत शानदार है T10 का। 30 मैच में 1028 रन बनाए 44 की एवरेज से, 12 ओवर की गेंदबाजी करवाते हैं, 5 विकेट लिए, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और आज के मैच में आप इसको जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अभी तक अच्छी पारी आई नहीं है लेकिन किसी भी मैच में एक अच्छी पारी खेल सकता है। सिलेक्शन की बात करें 92% इसका सिलेक्शन है। उसके बाद है पॉल म्यूरी, जिसने 2 मैच में 44 रन बनाए, अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। ओवरऑल T10 का रिकॉर्ड देखोगे 29 मैच में 156 रन है, साथ ही आपको विकेट कीपिंग के भी अच्छे खासे पॉइंट दिलाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर और विकेट कीपिंग सेक्शन में कोई दूसरा पिक काम का नहीं है। ठीक है, इसलिए अपन इसी को सेलेक्ट करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जेक होगाट की, जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहा है, साथ ही आपको 2 ओवरों की गेंदबाजी दे रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2 मैच में इसने 11 रन बनाए, 4 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 2 विकेट लिए इस टूर्नामेंट में। ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे T10 का 43 मैच में 216 रन है, 78 ओवरों की गेंदबाजी, 43 विकेट लिए, यानी बॉलिंग कंपलसरी आपको 2 ओवरों की करा के देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सिलेक्शन की बात करें जेक होगाट का, तो सिलेक्शन देखने को मिलेगा 83%, एक बढ़िया प्लेयर है। इसके बाद है एंडी रॉबर्ट्स, जिसने 2 मैच में 42 रन बनाए, ठीक ठाक बैटिंग कर रहा है। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें 68 मैच में 1592 रन बनाए, 24 की एवरेज से, 34 ओवर की गेंदबाजी, 5 विकेट। उसके बाद है आर्थरू जॉर्ज, जिसने 2 मैच में बल्लेबाजी करते हुए 25 रन बनाए, 4 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 2 विकेट लिए, यानी बॉलिंग और बैटिंग दोनों ठीक ठाक कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सिलेक्शन की बात करें सिलेक्शन इसका 53% है, एक अच्छा प्लेयर है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखें T10 का 14 मैच में 24 रन, 13 ओवर की गेंदबाजी, 8 विकेट। उसके बाद है ब्राइस एलिचिन, जिसने 2 मैच में 10 रन बनाया, 3 ओवरों की गेंदबाजी करी, 1 विकेट लिया है, बॉलिंग करवा रहा है, ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो लेकिन बॉलिंग थोड़ी कम करवाता है और उसको विकेट भी थोड़े कम मिलते हैं। ओवरऑल T10 का रिकॉर्ड देखोगे 15 मैच में 20 ओवर, 8 विकेट। ठीक है, इसके बाद है मार्क व्हाइटलुक, जिसने 2 मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 3 विकेट लिए, बढ़िया गेंदबाजी करवा रहा है इस टूर्नामेंट में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन की बात करें 65% इसका सिलेक्शन है। ओवरऑल T10 का रिकॉर्ड देखें 30 मैच में 17 रन, 30 ओवर की गेंदबाजी, 21 विकेट। इसके बाद है जॉर्ज क्लार्क, या एक अच्छा बैट्समैन है लेकिन इसका बैटिंग ऑर्डर खूब लेट आ रहा है, इसलिए अपन इसको ट्राई नहीं करेंगे। मात्र 1 मैच खेला है जिसमें 1 रन बनाया। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें 244 मैच में 3560 रन बनाए, 163 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 30 विकेट लिए। उसके बाद है ग्रेम फुकार, जिसने 1 मैच खेला, बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी, इसने क्लब के लिए भी 1 मैच खेला जिसमें मात्र 2 रन है। उसके बाद है जेम्स पाल्मर, जिसने 2 मैच में 0 रन बनाए। ओवरऑल क्लब रिकॉर्ड देखे 125 मैच में 1742 रन है, 17 की एवरेज से, 22 ओवर की गेंदबाजी, 5 विकेट लिए। इसके बाद है बैली व्हाइटलुक, जिसने 1 मैच खेला है, इधर 2 मैच खेले, सॉरी भाई मिस्टेक हो गई है, इधर 2 मैच है इसके। बैली व्हाइटलुक की बात करते हैं तो 4 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 3 विकेट लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि बॉलिंग अच्छी करवा रहा है और आपको इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सिलेक्शन की बात करें इस प्लेयर का, तो सिलेक्शन देखने को मिलेगा मात्र 24%, लेकिन एक अच्छा प्लेयर और अच्छी गेंदबाजी करवा रहा है, इसलिए आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर सभी को सेलेक्ट कर ले, एक प्लेयर बच रहा तो फिलहाल के लिए अपन डेमो टीम है, इसलिए एंडी रॉबर्ट्स को डाल देते हैं, या आप डेमो टीम सेव कर लो, डेमो टीम में फाइनल टीम नहीं है अभी। इसके अलावा इन सभी प्लेयरों के अलावा बेंच पर से इस टीम की तरफ से भी कोई भी प्लेयर खेलेगा तो सभी के स्टेट्स हमने लिख रखे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इसीलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं अपन टीम की, जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर सभी को सेलेक्ट करा है। कैप्टनसी की बात करें तो जेक होगाट एक ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया पंटर है आपके लिए कैप्टनसी का, क्योंकि लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बना रहे, लेकिन नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहा है, साथ ही आपको 2 ओवरों की कंपलसरी गेंदबाजी दे रहा है। अभी तक परफॉर्मेंस नहीं करी है लेकिन एक अच्छा प्लेयर है और कभी भी अच्छी खासी पारी खेल सकता है, स्कॉटलैंड की टीम से अच्छा खासा क्रिकेट खेल रखा है। इसके अलावा वाइस कैप्टन यहाँ से आप बना सकते हो ई बॉर्गर को, या डॉन मानुभावे को, या पी वैन डर लीडे को। ठीक है, या डेमो टीम है, या टीम आप सेव कर लो, डेमो टीम फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाए और इस मैच से रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जैसे बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11, टॉस अपडेट और जो हमारी फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।